हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाया जाता है। वो टेम्पलेट में बनाकर आपको दिखाऊंगा और इस टेम्पलेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ये टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम मेंशन करेंगे, एडियंस एच आर। ओके, फिर हम नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे अटेंडेंस फॉर द मंथ, हमें जिस महीने का अटेंडेंस चाहिए वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे एफ कॉलम में। जैसे सितंबर महीने का मैं अभी अटेंडेंस बनाने जा रहा हूँ, तो सितंबर महीने मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे मुझे कुछ डम्मी एम्प्लॉयज़ के नंबर चाहिए और उनके नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ एंट्री बनाऊँगा, जैसे एम्प्लॉय कोड हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया। फिर उसके बाद मेरा जो डेप जो होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 टिल 31st तक मुझे अपेयर होना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट ना डाल के मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा, डेट फार्मूला। तो डेट फार्मूला यूज़ करने के लिए पहले डेट मैंने टाइप किया यहाँ पे, उसके बाद ईयर सेलेक्ट किया 2023, उसके बाद मैं यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करूँगा। मंथ का रेफरेंस मैंने मंथ से दे दिया, जिस महीने का मेरा अटेंडेंस है। उसके बाद डे में मैं यहाँ पे 1 डाल सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे 1 ना डालकर मैं यहाँ पे भी डे का फार्मूला यहाँ से ले लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये आप देख सकते हो कि ये मेरा जनरल फॉर्मेट में, इसे मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा। उसके लिए राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाऊँगा, फिर डेट में जाऊँगा और यहाँ से स्ट्रक्चर में सेव कर लूँगा। तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट में आ गया। अभी मुझे ऐसे ही 2 3 4 5 टिल 31st तक चाहिए, तो मैं अभी यहाँ पर एक शॉर्टकट की यूज़ करूँगा। सेम फार्मूला मैं ड्रॉप मैं ये करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इससे क्या करूँगा कि मैं फ्रीज कर लेता हूँ F4 पेस्ट करके अपने सेल को, जो मेरा एफ कॉलन का सेल है। उसके बाद मैंने कॉपी पेस्ट किया और ये फार्मूला के जगह पे, डे के फार्मूला के जगह पे मैं वापस से डे फार्मूला यूज़ करता हूँ और +1 कर दूँगा, ताकि मेरा जो डे है, जैसे ही मैं आगे की तरफ इसे कॉपी पेस्ट करूँ, एक एक दिन बढ़ते जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे +1 कर दूँगा, ठीक है। अभी मैं इसे अगले सेल में पेस्ट अगर करूँगा तो ये 2 सितंबर 3 सितंबर टिल जहाँ तक मैं इसको ये लेकर जाऊँगा वहाँ तक ये आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये 31st तक चाहिए या 30 तक चाहिए, तो मैं आगे तक इसे कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। जैसे 20 27 30 30th के बाद 1 अक्टूबर आ जा रहा, जैसे ही मैं पेस्ट कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा फार्मूला काम कर रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से अभी मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके मुझे 0102 इस फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डेट में जाऊँगा, कस्टम में जाऊँगा और DD सिर्फ डाल दूँगा, तो मेरा 1 2 3 4 5 ऐसा अपीयर होगा, ठीक है। अभी इक्वल टू करके सेम फार्मूला ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे मुझे डे चाहिए, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो सेम मैं फॉर्मेट में जाऊँगा। पहले सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में गया, ठीक है। फॉर्मेट में जाने के बाद राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल मैं जाने के बाद यहाँ पे DDD डाल दूंगा, तो ये मेरा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जिस दिन का डे रहेगा वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ तक एक फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, कुछ डम्मी डेटा मुझे डालना है, ठीक है, और मुझे कुछ फॉर्मेटिंग भी करना है, कि ये देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, तो इसे मुझे पहले फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग में मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक इसे बॉर्डरिंग कर सकता हूँ, ग्रिड लाइन हटा सकता हूँ, इसको अलग अलग तरीके से कलर कर सकता हूँ, तो ये सब हम करेंगे फॉर्मेटिंग पार्ट में, ठीक है। सबसे पहले मैंने ऊपर का हेडिंग इसको मर्ज सेंटर करके हटा दिया यहाँ पे, वैसे ही मंथ के लिए भी मर्ज सेंटर करके मैंने इसको मर्ज सेंटर कर दिया, वैसे ही अटेंडेंस फॉर द मंथ है, इसे भी सिलेक्ट करके हम ये कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और मर्ज सेंटर यहाँ से मैंने प्रेस कर दिया, ये मर्ज सेंटर में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने मर्ज सेंटर तीन चीज़ को कर दिया। अभी इसे ग्रिड लाइन यहाँ से हटा देंगे व्यू में जाकर, ठीक है। तो ये ग्रिड लाइन हट गया, अभी ये सिंपल पेज के जैसा दिखने लगा। अभी इसमें एक चीज़ बाकी है, जो कलर फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से मैं 2 कलर सेलेक्ट उठा लूँगा। ये फिल इफ़ेक्ट बहुत ही काम का चीज़ है, आप ध्यान से देख लीजिए कैसे करते हैं फिल इफ़ेक्ट, ठीक है। वैसे मैं सेप्टेम्बर मंथ को फिल इफ़ेक्ट देने वाला हूँ। फॉर्मेट में गया, फिल इफेक्ट से यहाँ, इसके बाद यहाँ से 2 कलर मैं यूज़ कर सकता हूँ। वापस मैं एक बार दिखाता हूँ, फॉर्मेट में इफेक्ट फिल, यहाँ से 2 कलर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और एक और कोई कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट का कलर मैं वाइट ही है, ठीक है।
और वैसे ही मैं इसका जो कंपनी का नाम है मेरा उसे भी फिल इफेक्ट दे देता हूँ फॉर्मेट सेल में जाकर। दो कलर मैं यहाँ से पिक कर लूँगा, एक येल्लो कर लेता हूँ और दूसरा रेड। यस, ये अच्छा लगेगा तो मैंने ये कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से मैं फिल इफेक्ट करके इसको और अट्रैक्टिव मैंने बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा हेडिंग है, वैसे ही इसका भी साइज़ थोड़ा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ हेडिंग होने की वजह से, ताकि ये दिखे हेडिंग। तो यहाँ तक मैंने देख आपने देख लिया। अभी मुझे कुछ डम्मी एम्प्लॉयज़ के नाम और उनके अटेंडेंस, उनके एम्प्लॉय कोड, ये सब चाहिए ताकि मैं जब भी आगे वीडियो के आगे जब भी मैं बताऊँ आपको डेज़ का कैलकुलेशन तो आपको समझ आए ईज़िली। तो इसके लिए मैं कुछ डम्मी एम्प्लॉय कोड यहाँ पर डाल लेता हूँ, E001, E002, और यहाँ से ड्रैग करके इसे नीचे तक लेकर आ जाता हूँ। वैसे ही मैं कुछ डम्मी नाम यहाँ पे इंटर करने वाला हूँ, लाइक रमेश सिंह आप देख रहे हो, सुरेश सिंह, वैसा करके मैं कुछ डम्मी नेम यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आपको आगे इजी तरीके से समझ आए। ठीक है, यहाँ पे शाहरुख खान, और ये सब नाम बिल्कुल ही पर्सनल नहीं है, तो ये सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए है। ये सब कोई भी किसी भी रिलेटिव किसी भी रिलेशन नहीं है, कोई किसी के एक्चुअल नाम से कुछ रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एम्प्लॉयज़ के नाम मेंशन किए और आप देख सकते हो आई थिंक 11 एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे टोटल। ये मेरा दीपाली कुमार दीप, और यहाँ पे दीपक डाल देता हूँ, दीपक कुमार। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हो गया। इसके बाद मैं इसको पूरे को बॉर्डरिंग कर देता हूँ। बॉर्डरिंग का शॉर्टकट है Alt+HBA, आप यहां से भी बॉर्डर कर सकते हो। ठीक है, इसको ऑटो फिट भी कर सकते हो ताकि जो सेल का जो कॉलम है खुद से एडजस्ट हो जाए। Alt+HOI उसका शॉर्टकट की है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो अभी ये प्रॉपर अटेंडेंस की तरह दिखने लगा है। ठीक है, अभी मैं इसे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। फॉर्मेट सेल में जाकर यहाँ से मैं फिल इफेक्ट में कुछ इसे अच्छा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये फिल इफेक्ट मैंने दे दिया यहाँ पे, और इसका या वाइट से मैं कर देता हूँ ताकि ये दिखे। यहाँ पे भी फ्राइडे मंडे संडे जो भी है ये डेज़ को भी मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, फिल इफेक्ट दे देता हूँ। यहाँ से मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट सेल में गया। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पे फिल इफेक्ट में मैं दो कलर दूंगा। पहला कलर मैंने चलो लेट से ये कलर लिया और दूसरा मैंने ये कलर लिया। ठीक है, तो एक फिल इफेक्ट मैंने दे दिया और इसका टेक्स्ट वाइट कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ पे मुझे ना अटेंडेंस में या तो प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है या वीकली ऑफ हो सकता है या एज़ पर द कंपनी पॉलिसी जो हम चाहे यहाँ पे हम डाल सकते हैं। उसके लिए मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ करूँगा। इसके लिए डेटा में जाऊँगा, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में लिस्ट सेलेक्ट करूँगा और लिस्ट में मैं दो तीन आइटम यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे एब्सेंट का एब्सेंट के लिए एब्सेंट, प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट और वीकली ऑफ के लिए WO मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया यहाँ पे अटेंडेंस पूरा। ठीक है, यहाँ से मैं एक प्रेजेंट ले लेता हूँ और बाकी सभी सेल में प्रेजेंट 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 मैं यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी सभी एम्प्लॉय प्रेजेंट हो गए, बट इसमें कुछ सैटरडे संडे भी हैं, संडे के दिन वीकली ऑफ होता है तो मैं उनको वीकली ऑफ कर देता हूं और इसको ऑटो फिट कर देता हूं। ये एक संडे, फिर यही यहां पे भी आप देख सकते हो सेकेंड संडे, यहां पे भी मैंने कर दिया। वैसे ही यहां पे 24th में भी वीकली ऑफ है तो यहां पे मैंने वीकली ऑफ कर दिया। और यस, एक स्टार्ट में भी है 3rd of सितंबर को, तो यहां पे भी मैंने वीकली ऑफ कर दिया। तो इस तरह से 4 वीकली ऑफ मेरे यहाँ पे हो गए इस मंथ के लिए, सितंबर मंथ के लिए। ठीक है, अभी मैं कुछ साइमल्टेनियसली कुछ डेटा यहाँ से पिक करूँगा और कुछ को एब्सेंट कर दूँगा। ठीक है, ताकि जब भी मैं डेटा बनाऊँ तो चेकिंग में इजी हो, समझने को इजी हो। तो मैं यहाँ पे कुछ रैंडमली मैंने एब्सेंट कर दिया बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, थोड़ी एम्प्लॉयज़ को, नॉट सबको। ठीक है, इस तरह से मैंने ये अटेंडेंस बनाया। अभी यहाँ पे मैं अगस्त करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फ़र्क देखने को आता है कि नहीं वो देखते हैं। यस, अगस्त, लेकिन हम यहाँ पे अगस्त नहीं सितंबर का अटेंडेंस बना रहे। तो अगस्त में 31st डेज होता है जो यहाँ पे आ नहीं रहा है, 30th के बाद आकर रुक जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ मुझे फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे मैं कुछ और फार्मूला यूज़ करता हूँ। यहाँ पे अगस्त
सितंबर, सितंबर में 31st आ रहा है, तो ये गलत आ रहा है। यहाँ पे अगर 30 का महीना है तो 30 दिन दिखाना चाहिए, अगर 31 का महीना है तो 31 दिन ही दिखाना चाहिए। ये फालतू का कॉलम, एजी कॉलम नहीं आना चाहिए जहाँ पे 30 मंथ हो। तो इसके लिए मैं इफ़ फंक्शन का यूज़ करूँगा, इफ़ और इफ़ एंड और का फंक्शन, कंबाइंड फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। ये फार्मूला आप देख लीजिए कैसा यूज़ होता है, इफ़ और मंथ, फिर मैंने एक लॉजिक यहाँ पे लगाया है, आप ध्यान से ये फार्मूला देख लीजिए। इस तरह से मैंने ये फार्मूला यूज़ किया, ये ध्यान से आप देख लीजिए फार्मूला। यहाँ पे लॉजिक वन, लॉजिक टू, लॉजिक थ्री, सब लॉजिक को और फार्मूला यूज़ करने, ऐड करने का काम करता है। ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, ये, ये नहीं तो ये, इस तरह से फार्मूला काम करता है और का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी मैं मार्च सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 31st अपीयर हो रहा है। अगर मैं कोई अप्रैल करूँगा तो ये 31st डे अपीयर नहीं हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे सितंबर ले लेता हूँ, क्योंकि ये मैं सितंबर का, मई में भी देख सकते हो कि अब 31st हो गया, पूरा दिन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा मंथ लूँ जहाँ पे 30 दिन का है, तो ये जो आपका एजी कॉलम है वहाँ पे 31 है, वो अपीयर नहीं होगा। लेट्स सितंबर का मैंने सेलेक्ट किया तो एजी कॉलम में 31 डेज नहीं अपीयर हुआ। ठीक है, अभी यहाँ से मैं इसका कुछ प्रेजेंट डेज कितना है वो मैं निकालूँगा, फिर से इसका वीकली ऑफ कितना है वो निकालूँगा, कितना एबसेंट डे है वो निकालूँगा, और फिर कितना पेबल बनता है डेज वो निकालूँगा। ठीक है, उसके लिए मैं एक यहाँ पे फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ, जिसे हम काउंट इफ फार्मूला भी कहते हैं। काउंट इफ का फार्मूला का यूज़ कुछ काउंट करने के लिए होता है, कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट को। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ काउंट इफ, मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया 1 से लेके 31 तक। ठीक है, वहाँ उसके बाद कॉमा, उसके बाद मुझे यहाँ पे प्रेजेंट चाहिए तो मैं पी टाइप करूँगा इन्वर्टेड कॉमा में और क्लोज कर दूँगा। वैसे ही वीकली ऑफ है, तो वीकली ऑफ के लिए भी मैं सेम फार्मूला यूज़ करूँगा। काउंट इफ, मैंने रेंज सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कॉमा दिया, फिर उसके बाद वीकली ऑफ के लिए WO है, तो मैंने यहाँ पे WO टाइप कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह से मेरे टोटल वीकली ऑफ 4 आ गए। अभी एब्सेंट डेज के लिए फिर वैसे ही सेम फार्मूला यूज़ करूँगा, पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे काउंट इफ लिख के, काउंट इफ लिखा मैंने और यहाँ से यहाँ तक मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ पे एब्सेंट के लिए मैंने ए डाला था तो यहाँ पे मैं ए डाल दूँगा। इस तरह से मेरा एब्सेंट डेज, वीकली ऑफ, प्रेजेंट डेज सभी मैंने पता कर लिया। ठीक है, इसको मैं बॉर्डरिंग कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पे मुझे पेबल डेज चाहिए, अगर मैं सैलरी पे करने जाऊँगा तो मुझे टोटल पेबल डेज चाहिए कि कितने महीने, कितने दिन का सैलरी पे करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। तो मेरा प्रेजेंट डेज उसमें ऐड होगा वीकली ऑफ, और उसमें से माइनस हो जाएगा एब्सेंट डेज। ठीक है, तो आप देख सकते हो 29-31 डेज, तो यहाँ पे 31 डेज आ रहा है, सितंबर मंथ है तो 31 डेज नहीं आना चाहिए। यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कॉलम ब्लैंक कॉलम है, अटेंडेंस बना था। ठीक है, अभी आप देख सकते हो 28 डेज, 30 डेज, तो एब्सेंट भी काउंट कर रहा है। सो डैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।